हे गाइस, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति परिचय का उदाहरण। त्रिकोणमिति परिचय का उदाहरण और पेज नंबर है आपका 169। तो उदाहरण नंबर हम लोग एक और दो देखेंगे। उदाहरण नंबर एक है कि काट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है कि माइनस एक होगा और अनुपात कास ए टैन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है सिद्ध करते हैं कि काट स्क्वायर थीटा एग्जाम्पल हम लोग पहला जो है हल करते हैं। सिद्ध करना है काट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस एक। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा माइनस में, अब देखिए वन अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इधर लिख सकते हैं कि वन अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ माइनस से अगर गुणा कर देते हैं तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस वन से गुणा कर दिए। अब माइनस वन और इतने की वैल्यू हो जाता है फिर क्या, एक। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन। आ यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इति सिद्ध, देखिए चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये सर्वसमिका का सूत्र है और इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको इसका मान हमने एक रख दिया, एक, अब पहले से माइनस एक से इसमें गुणा किया गया है। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद से हम लोग एग्जाम्पल नंबर दो है, इसमें कह रहा है कि कॉस ए और टेन ए और सेक ए को साइन के रूप में लिखना है, साइन ए के रूप में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कॉस ए को बदलते हैं साइन के पद में। ठीक है, साइन के पद में हम लोग को लिखना है तो कॉस ए को लिखते हैं साइन के पद में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। ठीक है, अब हम लोग को कॉस के पद में, साइन के पद में लिखना है कास को, तो साइन को इधर लाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए बराबर, तब यहाँ पे कास स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ओके, अब कास स्क्वायर को यहाँ पे वर्ग को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कास हमारा हो गया वह अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कास का वैल्यू हम लोगों ने साइन के रूप में बदल दिया। ठीक है, अब हम लोगों को बदलना है टेन का मान साइन के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन ए का मान हम लोगों को, तो टेन बराबर क्या हो जाता है, साइन बटे कास। टेन बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कास ए लिख सकते हैं। ठीक है, और कास ए का मान अभी हम लोगों ने निकाला है कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है अंडर रूट में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटे में अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए भी हो गया साइन के रूप में। इसके बाद से सेक ए को बदलना है, तो सेक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं वन अपान कॉस ए होता है, कॉस ए, और कॉस बराबर अभी हम लोगों ने चेंज किया है कि कॉस बराबर क्या होता है, अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में वन माइनस साइन
स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक का मान 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका दोनों एग्जाम्पल हल हो गया। इसके आगे आप अगर कोई भी एग्जाम्पल फंसता है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ज़रूर उसका सलूशन बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।